अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सब्सक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताजी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। खालसे दा साजना दिवस सिखां दे चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब विखे धूमधाम नाल मनाया जांदा है। इस संबंधी पंज रोजा मेला जिहड़ा हो शुरू होण जा रहा है। इस संबंधी तैयारियां नूं लै के ते होर प्रबंधां नूं लै के ते इतिहास नूं लै के आपां गल्लबात करांगे। तख्त श्री दमदमा साहिब दे हैड ग्रंथी नाल साडे नाल मौजूद ने, आपां गल्लबात करदे आं। हाँ जी, सब तो पहला तो स्वागत है अजीत वैब टीवी दे तुहाडा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, ये पावन पवित्र स्थान खालसा पंथ का चौथा तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु कांशी के नाम के नाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। श्री मुक्तसर साहब की जंग फतेह करन उपरंत मालवे के नगर में विचरते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1705 ईस्वी के इस पावन धरती नवाजिया और अपने बेअंत बख्शा के नाल इतने सतगुरां ने संगतां नूं नवाज करके गुरसिखी का अमृत का जिहड़ा सी अमृत संचार गुरसिखी का प्रचार किया। उत्थे सतगुरां ने महान चार इत्थे कार्ज कीते, जिवें कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक नौवें पातशाह की बाणी दर्ज करा के पहले पैर सतगुरु बाणी लिखाया करते, पिछले पैरों नहीं बाणी की कथा करते। दूसरा महान कार्ज सतगुरां दा सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता तो उपरंत सतगुरां ने जिन्हिया कलमा स्याही वधी लिखण सर दे सरोवर विच पा के गुरु कांछी का वरदान बख्शिश किया और वचन किया, यह है प्रगट हमारी कांछी पढ़ है यहाँ ढोर मत रासी, लेख गुणी कुविंद ज्ञानी बुद्ध सिंधु है इतयानी, तिनके कारण कलम घड़ देत प्रगट हम डार, सिख सखायत पढ़ेंगे हमरे कई हजार। गुरु कांछी का वरदान बख्शिश किया। उत्थे ही महाराज ने तीसरा महान कार्ज सिखी सिदक की परख की, जदों भाई उदय सिंह लाहौर वासी बंदूक लैके आए, भाई डल सिंह ते उन्हां दी फौज ने इस बंदूक का निशाना बनने वास्ते तैयार ना होना किया। बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह जी दोनों पिता पुत्र सतगुरां दे सन्मुख हाजिर होए सन। महाराज ने कहा कि असी एक सिंह नूं याद किया है। पिता कहन लगा, सतगुरु पहला मैं वास सुनी मेरे ते निशाना परखो। पुत्र कहिंदा, नहीं सतगुरु जी मैं वास सुनी मेरे ते निशाना परखो। दोनों सिंघां नूं सामने रोक करके सतगुरां ने सिखी सिदक की परख करदिआं सिंघां दे उपर दी बंदूक का फैर करके सिंघां नूं माण बख्शिश किया और बचन किया सी कि भाई लाल सिंह ऐसे ऐसे सिख सन साडे नाल जिन्हां ने जंग युद्ध विच साडा साथ दिता। चौथा कार्ज जदों माता साहिब कौर माता सुंदर कौर जी दिल्ली तो बेअंत संगतां दे समेत गुरु साहिब दे इत्थे आ के दर्शन करते ने, महाराज नूं बचन बेनती की, वड्डे अते छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी नज़र नहीं आ रहे। महाराज ने उस समय बचन किया खालसे वाल इशारा करके, इन पुत्रन के सीस पैवार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पया जीवित कई हजार। सात संगत जी उत्थे महाराज ने इत्थे बेअंत बख्शा रच के 1706 विच इत्थे खालसा पंथ दा साजना दिवस विसाखी दा जोड़ मेला मनाया अते अगले दिन महला आरंभ करके गुरुद्वारा महलसर साहब दे स्थान ते जाके समाप्ति कीती। सिंघां दे कोल घोड़सवारी शस्त्रबाजी जौहर देखे ते इनाम वंड कीती। महाराज जी चलाई मर्यादा अनुसार हर साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त साहब दे समुचे प्रबंध माणजोग सिंह साहब जी वल्लों संगतां दे सहयोग दे नाल खालसा पंथ दा साजना दिवस विसाखी जोड़ मेला मनाया जांदा है, जो कि गुरद्वारा महलसर साहब दे स्थान ते ही जाके समाप्ति हुंदी। इस वार भी 12, 13, 14 अते 15 अप्रैल विसाखी का जोड़ मेला जिहड़ा है तख्त साहिब विखे बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल मनाया जा रहा है ते 10 अप्रैल तो विशेष तौर पर धार्मिक दीवान तख्त साहिब विखे सज रहे ने, जिन्हां विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हजूरी रागी साहबान, गुरु के कथावाचक साहबान, ढाडी कवीशर साहबान विशेष तौर पर पहुँच के संगतां नूं गुरमत विचारां गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे। 10 अप्रैल तो लैके 12 अप्रैल तक ये दीवान सजनगे ते 13 अप्रैल नूं कवि दरबार जिहड़ा है भाई डल सिंह दीवान हाल दे तख्त साहिब दे पिछले पासे उत्थे कवि दरबार 13 दी रात नूं होवेगा। वख वख कवि साहबान गुरु साहिब जी दे इतिहास तो सिख संगतां नूं जाणू कराउणगे अते 14 जिहड़ा अप्रैल विसाखी वाला दिन है खालसा पंथ दा साजन उस दिन भी साध संगत जी अमृत वेले तो लैके दोपहर 2 बजे तक दीवान सजनगे और गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल 15 अप्रैल नूं तख्त साहिब तो 10 बजे महला आरंभ होवेगा और गुरद्वारा महलसर साहिब विखे जा के सारे जोड़ मेले की समाप्ति होवेगी। तख्त साहिब के समुचे प्रबंध वालों संगतां दे रहन लई
ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ, ਲੰਗਰ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ 13 ਤੇ 14 15 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਜਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ।